सो वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में यहाँ पे मैंने दिखाया कि कब कब जो है वो इंजेक्शन दिया जाता है, लाइक एट बर्थ में 6th वीक, 10th वीक, 14th वीक, उसके बाद 9th मंथ में, उसके बाद 5 ईयर एंड देन 10 ईयर, देन 16 ईयर। ओके, सो लेट्स सी। मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे कुछ निमोनिक्स दे रहा हूँ, ठीक है। आई विल गिविंग सम निमोनिक्स टू रिकॉल इट एंड रिमाइंड इट। सो एट बर्थ विल गिव BCG फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस, OPV 0, 0 मीन्स ब्लड डोज, एंड हेपेटाइटिस बी। ओके, टू बी रिमेम्बर, एट बर्थ वी आर गिविंग BCG, OPV 0 एंड हेपेटाइटिस बी। नाउ फॉर 6th वीक, 10th वीक एंड 14th वीक the mnemonics is HOD, Rich Public Fund. Now in case 6, 10, 14 weeks the mnemonics is same, HOD, Rich Public Fund, but for 10th week it will up to only HOD, Rich. mnemonics sirf HOD, Rich hoga, public fund yahan pe nahi aate. kyun nahi aate? main vaccine ab dikha raha hu ki H stand for what vaccine, O stand for what vaccine, मैं elaborately describe कर रहा हूँ, ठीक है। और आप ए निमोनिक्स याद कर लीजिएगा, HOD रिट्स पब्लिक फंड, HOD रिट्स एंड HOD रिट्स पब्लिक फंड फॉर 14 वीक अगेन। तो आप यहाँ पे देख सकते, मैंने कहा था कि 6th वीक के लिए, फॉर 6 वीक द निमोनिक्स इज HOD रिट पब्लिक फंड। सो एच स्टैंड फॉर, एच दो आएगा, पहला है हेपेटाइटिस बी डोज 1, देन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा B 1, ठीक है। उसके बाद आएगा OPV 1, उसके बाद आता है DPT 1, HOD अप टू हेयर। नाउ रीड्स फॉर रोटा वायरस 1, पब्लिक फॉर पब्लिक PCV 1, दैट इज न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन 1, एंड फैक्शनल IPV फंड स्टैंड फॉर फैक्शनल IPV 1। सो अप टू दिस, अप टू रोटा वायरस 1, द सेम वैक्सीन 2, सेकेंड डोज आर एट 10th वीक, दैट इज लाइक HOD रीड्स। आई हैव सेड दैट HOD रीड होगा निमोनिक्स 10th वीक के लिए, तो उसमें आ जाएगा हेपेटाइटिस बी 2, मतलब सेकेंड डोज, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी सेकेंड डोज, OPV 2 सेकेंड डोज, DPT सेकेंड डोज, रोटा वायरस सेकेंड डोज। पर 14 वीक में मैंने कहा था कि जो HOD रीड्स पब्लिक फंड पूरा का पूरा 6, 10, 14 वीक में होता है, तो जितना सा डोज था अप टू HOD रीड्स सबका थर्ड डोज दिया जाएगा। अब देख सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस B 3, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा B 3, OPV 3, DPT 3, रोटा वायरस 3, और ये दो जो पब्लिक फंड का फर्स्ट डोज पहले हो गया था, लाइक PCV 1 एंड फैक्शनल IPV 1, उनका सेकेंड डोज PCV 2 एंड फैक्शनल IPV 2 ये दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए 9 मंथ के लिए मैं आप लोगों को निमोनिक्स बताता हूँ पहले। सो 9 मंथ में जो सब वैक्सीन दिया जाएगा उनका निमोनिक्स है, 9 भाई मिलके पटना जाएंगे, 9, दिस 9 स्टैंड फॉर 9 मंथ। अब भाई स्टैंड फॉर विटामिन ए, ठीक है। देन मिलके स्टैंड फॉर मिजल्स 1, कुछ स्टेट में मिजल्स 1 के जगह MR 1 भी दिया जाता है, ठीक है। 9 भाई मिलके पटना, सो पटना स्टैंड फॉर PCV, दैट इज न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का बूस्टर डोज, ठीक है। जाएंगे स्टैंड फॉर जापानीज एंसेफेलाइटिस डोज 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बात याद रख लेना है कि जो विटामिन ए होता है इनिशियल डोज में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है, उसके बाद एवरी सिक्स मंथ में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है 5 ईयर्स तक, ठीक है। ये विटामिन ए का था। तो चलिए अब देखते हैं 5 ईयर में क्या दिया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में।
तो अच्छा, 5 ईयर्स के पहले एक दफा जान लीजिए कि 16 to 24 मंथ में भी वैक्सीन दिया जाता है, और उनका निमोनिक्स है डेथ ऑफ माइकल जैक्सन. ठीक है, द निमोनिक्स फॉर देम इज डेथ ऑफ माइकल जैक्सन. हेयर डेथ स्टैंड फॉर DPT बूस्टर डोज. डेथ स्टैंड फॉर DPT बूस्टर डोज. ओ स्टैंड फॉर OPV बूस्टर डोज. माइकल स्टैंड फॉर सेम मिजल्स टू और MR, दैट इज मिजल्स रूबेला टू. एंड फॉर जैक्सन इट इज JE2. ओके, तो ये था 16 to 24 मंथ में जो वैक्सीन दिया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, उनका शेड्यूल. इसके बाद हम देखते चलिए कि 5 ईयर, 10 ईयर और 16 ईयर में क्या दिया जाता है. ठीक है, तो 5 ईयर में बेसिकली दिया जाता है DPT का बूस्टर डोज. 10 ईयर में बेसिकली 10 और 16 ईयर में TT दिया जाता था. क्यों कहा? आजकल TT को रिप्लेस कर दिया गया है नया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में TD से. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा. तो बेसिकली ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का निमोनिक्स था. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट. अगर कोई भी क्वेश्चंस हो आई विल ट्राई टू रिप्लाई. थैंक यू.